हाय गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे फैजी क्लासेस चैनल में स्वागत है और मैं आपका दोस्त सईद फैजी। दोस्तों, आज के इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में आप सीखने वाले हैं एक बहुत ही एडवांस टॉपिक। वह टॉपिक है कैन नॉट हेल्प। जस्ट मैं आपको बताऊंगा डिफिनेशन के माध्यम से कि कैन नॉट हेल्प का यूज स्पोकन इंग्लिश में कैसे करते हैं। सो गाइस, आइए देखते हैं। गाइस देखिए, कैन नॉट हेल्प का यूज हम ऐसे जगह करते हैं जहां पे हमें किसी चीज के बिना नहीं रह सकते, वहां पर कैन नॉट हेल्प का यूज किया जाता है। जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस लेता हूं कि वह शराब पिए बिना नहीं रह सकता। ओके, वह हंसे बिना नहीं रह सकता, मैं अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता, वह नाचे बिना नहीं रह सकती। सो गाइस, जिस काम में आप किसी के बिना नहीं रह सकते तो वहां पर कैन नॉट हेल्प का यूज किया जाता है। सो गाइस, आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और गाइस बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, ताकि हमारी नए स्टडी से आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लर्न करते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूला के बारे में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प, जिसे हम कैन नॉट कहते हैं। ओके, एंड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये है आपका फार्मूला। इसी फार्मूला से आप इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब क्या है? जिसमें काम होता है, जिसे हंसना, रोना, बोलना, लिखना, दौड़ना, नहाना, खाना, ये सब दोस्तों वर्ब है जो काम होता है। तो इन सभी के साथ आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सो चलिए सेंटेंस भी ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। हमारा पहला सेंटेंस है, वह क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकता। यानी कि अगर वह क्रिकेट नहीं खेलेगा तो उसके बिना वह रह ही नहीं पाएगा। तो मैंने जस्ट बताया था आपको कि किसी सेंटेंस में अगर के बिना नहीं रह सकता इस तरह का सेंस आता है तो वहाँ पर आपको तुरंत कैन नॉट हेल्प का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही उसे। अब लास्ट में जाइए, क्या है? खेले बिना नहीं रह सकता, इतना लॉन्ग। सबसे पहले आप लिखेंगे के बिना नहीं रह सकता, क्या है? कांट हेल्प। ओके, इतना क्लियर। अब किसके बिना नहीं रह सकता? खेल के बिना, तो लिखेंगे प्ले, बट इसमें आप ऐड करेंगे आईएनजी, क्योंकि आप इस फार्मूले में देख भी सकते हैं कि मैं वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया हूँ। तो आप लिखेंगे प्लेइंग एंड देन क्या? क्रिकेट। सो गाइस, आपका सेंटेंस बना ही कैन नॉट हेल्प प्लेइंग द क्रिकेट, ही कैन नॉट हेल्प प्लेइंग द क्रिकेट। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह शराब पिए बिना नहीं रह सकता। यानी कि उसकी कंपेल्ड है, यानी शराब पीना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे आप लिखेंगे ही कैन नॉट हेल्प ड्रिंकिंग वाइन, ही कैन नॉट हेल्प ड्रिंकिंग वाइन। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी सिखाए बिना नहीं रह सकता। यानी कि मुझे सेंटिमेंट पैसन है इंग्लिश सिखाने का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता किसी काम के बिना, तो यहाँ पर आप कैन नॉट हेल्प का यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं। ओके, अब लास्ट में आप जाइए के बिना नहीं रह सकता, लिखेंगे कैन नॉट हेल्प। ओके, अब किसके बिना? सिखाने के बिना, पढ़ाने के बिना, तो लिखेंगे टीचिंग और क्या? द इंग्लिश। सो गाइस, आपका सेंटेंस बन गया आई कैन नॉट हेल्प टीचिंग द इंग्लिश, आई कैन नॉट हेल्प टीचिंग द इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह नाचे बिना नहीं रह सकती। ओके, सो आप बनाएंगे शी कैन नॉट हेल्प डांसिंग, शी कैन नॉट हेल्प डांसिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और स्पेशली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारे चैनल से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को लर्न करते रहें। सो चलिए गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।